मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तारीखें तय नहीं हैं। एडिटर व्यू में बता रहे हैं कैसे होंगे उपचुनाव वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। मध्य प्रदेश में सियासी समर की पूर्व पीठिकाएं तैयार हो चुकी हैं। भले ही 27 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तारीख घोषित न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने आकलन और अनुमानों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं। तैयारियों के तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, कांग्रेस से बहुत आगे है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। लगातार उनके लोग कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट की तरह होंगे, परिवर्तन के बिंदु की तरह होंगे। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 19 समर्थक विधायकों के साथ बगावत करके कांग्रेस में आए, 3 और दूसरे विधायक बगावत करके आए, 22 विधायक उस समय हुआ करते थे। बाद में 3 और कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की, इस तरह से 25 हो गए और 2 लोगों की अनायास मृत्यु हुई। इसलिए कुल मिलाकर 27 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें सर्वाधिक 16 जो क्षेत्र हैं एक ही इलाके में है, ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी साबित करना है कि उनकी पकड़ लोगों पर है, पल्स पर है, और लोग इस बात से खफा हैं, नाराज हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में वह बर्ताव नहीं किया गया जिस बर्ताव के वो हकदार थे। लेकिन इस सब के लिए संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। जब ये विधायक बगावत कर रहे थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको गारंटी दी थी कि उनको जिताने की जवाबदारी उनकी होगी। और इस बात का प्रस्तुतिकरण उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ बातचीत में पिछले दिनों इंदौर में कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुलसी नहीं जीते तो मैं क्या करूंगा या किस तरह से प्रस्तुत होऊंगा। उसके बाद काफ़ी बबेला मचा था, काफ़ी हंगामे खड़ा हुआ था, लेकिन जुबान से एक बार जो चीज़ निकल जाती वो वापस नहीं आती है, भले ही आप उसको कितना रफू करते रहें, पैचअप करते रहें। कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि उसके लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई का एक बड़ा मोर्चा और मैदान है 27 विधानसभा क्षेत्र होने वाले हैं। कमलनाथ को शायद किसी ज्योतिषी ने कहा है, सूचना भी है, बाजार में खबरें भी हैं कि उन्हें की जीवन में उनके कुंडली में एक योग और मुख्यमंत्री बनने का है, इसलिए वो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अपनी दिक्कत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश में इन दोनों सिर्फ 2 बड़े नेता हैं जो कांग्रेस को चला रहे हैं, एक दिग्विजय सिंह और दूसरा कमलनाथ। बाकी जो नेता हैं, चाहे वो अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, कांतिलाल भूरिया हैं, ये कहाँ हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए बड़े संकट की बात है। कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए कि जब तक उसके सारे नेता, बड़े नेता एक साथ काम करते थे तो कांग्रेस का अपना जल जला हुआ करता था, लेकिन जब कुछ लोगों के हाथ में सत्ता केंद्रित होगी तो कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं है, सिर्फ इन्हीं 2 चेहरों के साथ आगे बढ़ रही है, और ऐसा मानने में कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए, जो मुख्यमंत्री रह चुका होता है उसको लगता है कि उससे ज़्यादा सुदर्शन, उससे ज़्यादा चतुर चाणक्य कोई नहीं है, और कमलनाथ भी यही सोचते हैं। अब उनको इस बात को साबित करना है। मान लीजिए वो साबित कर दिए तो निश्चित तौर पर कहते हैं जो मारे सो मीर, और साबित नहीं कर पाए तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सियासत से, कमलनाथ की जो सियासत है या राजनीतिक पारी है, उस पर धीरे धीरे विराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। वो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे जहां की जिस राजनीति के उससे ध्वस्त है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अवसर भी है, एक चुनौती भी है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि ये सरकार उनकी नहीं है, ये सरकार सिंधिया की है, ये सरकार संघ की है जिसकी रणनीति के तहत आप आए हैं। ये संघ और सिंधिया के समन्वय से अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो मुझे लगता है उनकी सरकार को दिक्कत होगी। इसलिए भाजपा बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है। शिवराज जी भी बहुत एक चतुर सुजान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और 27 क्षेत्रों के उपचुनाव में वो अपना जौहर, अपनी ताकत, अपनी पहचान को फिर साबित करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले उपचुनाव में पिछले चुनाव में शिवराज जी कुछ सीटों के अंतर से सत्ता में आने से महरूम रह गए थे, वंचित रह गए थे। अब उनके सामने अवसर है कि अपनी
ताकत का, अपनी राजनीतिक मेधा का, अपनी पकड़ का, अपनी पहचान का, एक्सेप्टेबल फेस होने के दावे का वो एक प्रस्तुतिकरण करें। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो दशकों से दरी बिछा रहा था, झंडे लगा रहा था, स्टेंसिल पोत रहा था, उसके मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर क्या उसका काम यही है? जिन 22 क्षेत्रों में, और अब तो माफ करिए 25 क्षेत्र हो गए हैं, मैं कांग्रेस के विधायकों को जो पूर्व हो गए हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, तो क्या भाजपा का कार्यकर्ता उसके साथ उसी ताकत के साथ काम करेगा जैसा वो अपने लोगों के साथ काम करता था? ऐसा नहीं कि भाजपा को इस बात का एहसास नहीं है, संगठन को इस बात का एहसास नहीं है, इसलिए समरसता लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे जो चेहरे हैं उनको एक साथ करने की कोशिश हो रही है। दीपक जोशी जैसे लोग जो इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनके इलाके में, उनके पिताजी की जो विरासत का इलाका है बागली में, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा प्रत्याशी बना जाएगा, वो लगातार अपनी बात कहते रहे हैं और उनको बनाने की लगातार कोशिशें हुई। पिछले दिनों कैलाश जोशी जी की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा हुई। अभी दीपक फिर जाके जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, पिछले दिनों एक मुखर राजनीति के प्रवक्ता भाजपा में रघुनंदन शर्मा माने जाते हैं, उन्होंने भाजपा के तमाम उन नेताओं से बातचीत की जो आज मुख्यधारा में नहीं है। इसीलिए भाजपा को अगर अपने इस युद्ध को जीतना है, 27 उपचुनावों में अपनी विजय पताका फहरानी है, अधिकांश क्षेत्रों में फहरानी है, तो मुझे लगता है बाहर से ज़्यादा उसे अपना घर ठीक करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। दूसरी सबसे बड़ी बात है बसपा की मौजूदगी। बसपा राजस्थान का बदला मध्य प्रदेश में भांजना चाहती है और कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है। अगर वह भाजपा के साथ एक समझौता करती है, ना भी करे तो एक स्ट्रेटजिक तरीके से प्रत्याशी खड़ा करती है, तो चंबल और ग्वालियर संभाग में कांग्रेस को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस अच्छी तरह से इस बात को जानती है, इसलिए वह भी बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। उसने मायावती के पुराने सहयोगी फूल सिंह बरैया को आगे किया है, लेकिन अब उनकी क्या पकड़ है, क्या पहचान है, ये इस उपचुनाव में आपको सामने आ जाएगा। तीसरी एक और चीज़ है सपा की उपस्थिति। सपा अगर कांग्रेस से नाराज जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको, या बीजेपी से नाराज लोगों को टिकट देती है, तो वह भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है। यानी इस बार के जो चुनाव हैं खासतौर पर चंबल और ग्वालियर संभाग में, वो मल्टी एंगुलर हो सकते हैं, बहुआयामी हो सकते हैं, बहुकोणीय हो सकते हैं। राज्य के अन्य स्थानों पर भले ही वो आमने सामने की लड़ाई हो, और इस 27 क्षेत्रों के जो नतीजे होंगे वो इस बात का प्रस्तुत करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब किस तरह से राजनीतिक दल आकार लेंगे, आधार लेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।